हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इजरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही टाइप के पोस्ट रहेंगे। वेरियस पोस्ट की बात की जाए तो साइंटिस्ट, टीचर, फायरमैन, कुक, मतलब विभिन्न प्रकार के पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हम लोग जिस पोस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा ग्रुप सी की पोस्ट। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहेंगे और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। Like I told you earlier, ISRO में URSC various post के ऊपर recruitment आई है Indian Space Research Organization के थ्रू। और friends, यहाँ पर total post आपका 224 रहने वाला है, but हम लोग जो group C की post के ऊपर discuss करेंगे उसके लिए 219 यानी 219 seats आपका रहने वाला है। फॉर्म के अप्लाई डेट की अगर बात करी जाए तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड है 10 फरवरी से और लास्ट डेट आपका 1 मार्च रहने वाला है। आपको 1 मार्च का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना जल्दी हो, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है तो अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द एज लिमिट। सबसे पहले जानेंगे किस डेट से एज की काउंटिंग होगी। देखिए, 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा 18 वर्ष से 35 वर्ष। ये आपका पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि कुक वगैरह की पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष, किसी पोस्ट के लिए 27 वर्ष, तो वो आप वहां पर एक बार देखेंगे किस पोस्ट का क्या एज रिक्वायरमेंट है। रिलैक्सेशन ही आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही साथ OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का, और बाकी के कैटेगरी वाले एक बार लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। आगे देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने का फी क्या लिया जाएगा। देखिए, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट आए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो ग्रुप बी वाले हैं उनके लिए आपका हायर फी लगता है। ग्रुप सी के लिए जनरल OBC EWS का 100 रुपीज लिया जाएगा। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोई फी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आपका 10th पास आउट कैंडिडेट इलिजिबल है, या फिर किसी किसी पोस्ट के लिए 10th प्लस ITI है। अब सिलेक्शन की प्रोसेस की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन है। यहाँ पर रिटेन एग्जाम होगा पहले स्टेज पे आपका। अब रिटेन का मतलब ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके बाद स्किल टेस्ट, मतलब कि पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ड्राइविंग की टेस्ट होगी। कुक के पोस्ट के लिए कुकिंग की आपकी ट्रेड टेस्ट होगी। और उसके बाद आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि रिटेन एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज पे होगा उसका क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। एग्जाम आपका सिंपली ऑनलाइन होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ से रहेंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और GK GS से भी 25 क्वेश्चंस रहने वाले। जब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आगे के स्टेज पर स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये जो एग्जाम पैटर्न बताया सभी पोस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने नॉर्मली ये बताया, जैसे कुक की पोस्ट होती है उसके लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए होता है, और जैसे इसमें मैंने बताया 25-25 चारों सेक्शन है, तो कुक की पोस्ट के लिए 15-15 क्वेश्चन चारों सेक्शन का होगा। तो ये चीज मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट अच्छे से देखिएगा। हर पोस्ट का विवरण उसमें बढ़िया तरीके से दिया गया है। जैसा आपको पहले ही बताया है कि पोस्ट क्या क्या रहने वाला है, हम लोग इसमें जनरली 4 पोस्ट के लिए हमने डिस्कशन किया था। फायरमैन ए के लिए, कुक के लिए, LMV ड्राइवर और HMV ड्राइवर, मतलब लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइवर के लिए भी रिक्वायरमेंट है और हैवी मोटर व्हीकल के ड्राइवर के लिए भी है। बाकी इसमें बहुत सारे पोस्ट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सीट भी कम है और उसका क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया। तो हम लोग यही 4 पोस्ट के बारे में जानेंगे। अब रही बात की
एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा। देखिए फ्रेंड्स, इजरो की तरफ से ना इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, ये जरूरी नहीं कि वो सिटी आपका नियर बाई हो, पॉसिबल तो ये भी हो सकता है कि इसका सेंटर बैंगलोर दे दे, और बाद में जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, सारा प्रोसेस हो जाता है, तो आपका जॉब लोकेशन भी बैंगलोर ही होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं जॉब लोकेशन हो जाएगी, आप वहां पे शिफ्ट हो जाओगे, जॉब करने लगोगे, तो सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी जो है देखिए यहाँ पर 21,700 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस हर साल जो आपके सैलरी में वृद्धि होती है, उसके बाद आपकी सैलरी 70,000 रुपये पर महीने के करीब हो जाती है। सो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना है, प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है, मॉडल पेपर बनाइए, कहाँ पर आप सिलेबस में छूट रहे हो ये पता करिए, और इसका सिलेबस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगी, तो वो सब कुछ टेलीग्राम से डाउनलोड करके आपको देख लेना है। और आप चाहो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज हो, मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।